साथियों, देश की विरासत का संरक्षण हमारे महान व्यक्तित्वों, हमारे इतिहास का यही चित्रण राष्ट्र निर्माण का प्रमुख अंग होता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अंग्रेजी शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भी देश का जो इतिहास लिखा गया उसमें इतिहास के कुछ अहम पक्षों को नजरअंदाज कर दिया गया। साथियों, गुरुदेव टैगोर ने 1903 के अपने एक लेख में जो लिखा था, मैं इसका जिक्र आज बंगाल की इस पवित्र धरती पे जरूर करना चाहूंगा। गुरुदेव ने लिखा था, भारत का इतिहास वो नहीं है जो हम परीक्षाओं के लिए पढ़ते और याद करते हैं। कुछ लोग बाहर से आए, पिता बेटे की हत्या करता रहा, भाई भाई को मारता रहा, सिंहासन के लिए संघर्ष होता रहा, यह भारत का इतिहास नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं गुरुदेव की बात सिर्फ पढ़ रहा हूं। इस इतिहास में इस बात को तो वर्णन ही नहीं है कि तब भारत के नागरिक, भारत के लोग क्या कर रहे थे। क्या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था? साथियों, गुरुदेव ने अपने लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिया था, आंधी और तूफान का। उन्होंने लिखा था, और टैगोर लिखते हैं, चाहे जितना भी तूफान आए, उससे भी ज्यादा अहम होता है कि संकट के समय, उस समय में वहां के लोगों ने उस तूफान का सामना कैसे किया। साथियों, गुरुदेव ने इस बात का ध्यान दिलाया था कि इतिहासकारों ने उस तूफान को घर के बाहर से ही देखा। जो लोग उस तूफान से निपट रहे थे, वो इतिहासकार उनके घर में गए ही नहीं। अब जो बाहर से देखेगा वो तो सिर्फ तूफान ही देख पाएगा ना। उस तूफान से तब वहां के समाज ने, वहां के सामान्य मानवी ने कैसे मुकाबला किया, इस पर इतिहासकारों की नजर ही नहीं पड़ी। ये गुरुदेव कह के गए हैं। ऐसे में भारतवर्ष के इतिहास की बहुत सारी बातें पीछे ही छूट गई।